शहर के तुलसी गेस्ट हाउस में रचक महासंघ भारत द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। समाज के लोगों को संबोधित करते हुए दिनेश चौधरी ने कहा कि समाज के गरीब तबके को आग बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ युवा प्रतिभाओं को रजक महासंघ द्वारा आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महासचिव सुख सागर भी मौजूद रहे। मेरा संदेश यह है कि सारे लोग एक हो जाइए, एक साथ रहिए। कुछ लोग हैं जो हमारे समाज को बरगलाते हैं, उनका निजी स्वार्थ है, धन उगाही करना, लूट खसोट, चंदा वसूलना, उसको हमको रोकना है। अगर कोई बच्चा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलना चाहता है, पैसे से कमज़ोर है, तो आप बताइए, हमारे संगठन के द्वारा उसको मदद किया जाएगा। पढ़ने में अच्छा है, फीस नहीं दे पा रहा है, गार्जियन नहीं कर पा रहे हैं, उसको हमको बताइए, हमारे संगठन के द्वारा उसको मदद किया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण मैं बताऊँ आपको, 14 साल का लड़का तीरंदाजी में, उसको चाइना खेलने जाना था लेकिन पैसा नहीं था, गरीब था। दो मेरे पास जैसे ही संदेशा आया, मैंने उसको सहयोग करके चाइना भेजा और चाइना को जिता के गोल्ड मेडल लेके वो आया। दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ बनारस की, एक लड़का, उसको थाईलैंड जाना था योगा में, उसका पिताजी ऑटो चलाते थे। अब ऑटो चलाने वाला तो परिवार चला ले बहुत बड़ी बात है, तो उसके पास पैसा नहीं था, तो उसको मैंने पैसा दे के थाईलैंड भेजा और थाईलैंड से भी वो मेडल लेके जीत के आए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं उनको सबसे पहले मजबूत करने का काम करें, चाहे वो नौकरियों में हो और चाहे वो चुनाव में हो या किसी भी और भी संगठन में चलने का काम करें। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे युवा साथी हैं सारे लोग किसी भी शिक्षा से और किसी भी विकास से किस कहीं पे भी शिक्षित रहें और बराबर काम करने का काम करें। समाज को कैसे आगे ले जाने के लिए क्या रूपरेखा बनाई है? समाज की रूपरेखा के लिए हम लोगों ने अभी समाज के लिए काफ़ी थोड़ा काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे प्रिय यहाँ पे छोटे भाई शिवपाल श्रीवाजी जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी हम लोगों ने आगे जागरूक करने का काम किया है कि समाज में डोर टू डोर जा करके समाज की दिक्कतें परेशानियां, जैसे अभी हम लोगों ने कल एक महोबा में देखा जहां पे बताया गया कि 30 सालों से लाइट नहीं है, हम लोग उनके लिए भी काम कर रहे हैं। और जो गरीब बच्चे हैं और जो गरीब परिवार है समाज का, उसकी शादी में, उनके किसी और गमी में और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उन पर हम लोग अपना संगठन द्वारा योगदान देने का काम करेंगे।